क्षेत्रफल इबारती प्रश्न इस वीडियो में हम सीखेंगे आयत का क्षेत्रफल निकालना और वर्ग का क्षेत्रफल निकालना टीचर्स क्षेत्रफल की अवधारणा अच्छी तरह समझ आने के बाद ही आयत और वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र और उनके इबारती प्रश्न हल करवाएं आयत का क्षेत्रफल निकालना बच्चों, इकाई वर्गों को गिनकर क्षेत्रफल निकालना तो आप सीख ही गए हैं तो अब क्या आप 6 सेंटीमीटर लंबाई और 3 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले इस आयत का क्षेत्रफल बता सकते हैं हाँ बिल्कुल इसके लिए सबसे पहले हम इस आयत की लंबाई और फिर चौड़ाई में एक एक सेंटीमीटर मापते हुए निशान लगा लेंगे और फिर इन निशानों को इस तरह मिलाते हुए सीधी और खड़ी लाइनें खींच लेंगे अब पहली सीधी और पहली खड़ी पंक्ति में इकाई वर्गों को गिन लेते हैं पहली सीधी पंक्ति में इकाई वर्ग है एक दो तीन चार पांच और और पहली खड़ी पंक्ति में इकाई वर्ग है एक दो और तीन और अब इनका आपस में गुना कर लेंगे तो छह गुना तीन हुआ अठारह यानी इस आयत का क्षेत्रफल एक एक सेंटीमीटर के अठारह वर्गों के बराबर है यानी अठारह वर्ग सेंटीमीटर बच्चों आपने ध्यान दिया इस आयत की जितनी लंबाई दी है उतने ही सीधी पंक्ति में इकाई वर्ग बन रहे हैं और इसी तरह जितनी चौड़ाई दी है उतने ही खड़ी पंक्ति में इकाई वर्ग बन रहे हैं यानी हम सीधी पंक्ति और खड़ी पंक्ति में इकाई वर्ग गिनने की जगह आयत की लंबाई और चौड़ाई गुना कर दें तो हमें आयत का क्षेत्रफल मिल जाएगा इसका मतलब आयत का क्षेत्रफल हुआ लंबाई गुना चौड़ाई और यही आयत के क्षेत्रफल का सूत्र है और आयत के क्षेत्रफल को किस इकाई में मापेंगे बताइए तो बच्चों किसी भी आकृति के क्षेत्रफल को हम वर्ग इकाई में ही मापते हैं जैसे वर्ग सेंटीमीटर वर्ग मीटर वर्ग फुट आदि कबड्डी का मैदान 20 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा है मैदान का क्षेत्रफल बताइए ये तो बहुत आसान है देखिए मैदान की लंबाई कितनी है 20 मीटर और मैदान की चौड़ाई है 15 मीटर बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि कबड्डी का मैदान आयताकार है तो मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा मैदान की लंबाई गुणा मैदान की चौड़ाई के बराबर ना तो मैदान का क्षेत्रफल हुआ 20 मीटर गुना पंद्रह मीटर ये हुआ 300 वर्ग मीटर यानी कबड्डी के मैदान का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर होगा आइए एक और प्रश्न हल करते हैं एक आयताकार आंगन का क्षेत्रफल चौवन वर्ग मीटर है और उसकी लंबाई 9 मीटर है तो बताइए आंगन की चौड़ाई कितनी होगी इसमें दिया है आयताकार आंगन का क्षेत्रफल चौवन वर्ग मीटर है यानी लंबाई गुना चौड़ाई बराबर चौवन वर्ग मीटर और आंगन की लंबाई दी है 9 मीटर तो 9 गुना चौड़ाई हुआ चौवन वर्ग मीटर के यानी आंगन की चौड़ाई हुई चौवन बटे नौ यानी 6 मीटर के तो इस आयताकार आंगन की चौड़ाई 6 मीटर होगी बच्चों आपने ध्यान दिया यहाँ आयत का क्षेत्रफल और लंबाई दी थी हु? तो हमने क्षेत्रफल में लंबाई का भाग देकर चौड़ाई निकाल ली इसी तरह अगर क्षेत्रफल और चौड़ाई दी हो तो आप क्षेत्रफल में चौड़ाई का भाग देकर लंबाई निकाल सकते हैं अच्छा अब इस प्रश्न को हल कीजिए 20 मीटर लंबे तार से एक आयताकार खेत में बाड़ लगाई गई है अगर खेत की चौड़ाई 4 मीटर है तो बताइए खेत की लंबाई कितनी है देखिए इस आयताकार खेत में बाड़ लगाने में 20 मीटर तार लग रही है यानी इसके चारों ओर की माप 20 मीटर है और चारों ओर की माप को क्या कहते हैं परिमाप ना? अच्छा और आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई ना अरे नहीं बच्चों ये तो क्षेत्रफल का सूत्र है परिमाप तो दो गुना लंबाई प्लस चौड़ाई होता है तो दो गुना लंबाई प्लस चौड़ाई हुआ 20 मीटर के और इस आयताकार खेत की चौड़ाई 4 मीटर दी है तो दो गुना लंबाई प्लस चार बराबर बीस मीटर अब दो को बीस में भाग दे देंगे तो लंबाई प्लस चार हुआ बीस बटे दो यानी दस मीटर के तो लंबाई बराबर दस मीटर माइनस चार मीटर यानी छह मीटर के यानी इस आयताकार खेत की लंबाई छह मीटर होगी अच्छा अब अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकालने को कहूं तो आप निकाल लेंगे ना बस लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर दो तो चार मीटर गुणा छह मीटर हुआ चौबीस वर्ग मीटर यानी इस आयताकार खेत का क्षेत्रफल चौबीस वर्ग मीटर होगा वर्ग का क्षेत्रफल निकालना ये तो हो गई आयताकार वस्तु की बात अब अगर वस्तु वर्गाकार हो जैसे कि कैरम का बोर्ड तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे वर्ग में तो सभी भुजाएं एक समान होती हैं, यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों एक बराबर तो बस इसके इसी गुणधर्म का हम इस्तेमाल कर सूत्र को थोड़ा बदल लेते हैं तो अगर हम आयत के क्षेत्रफल के सूत्र में लंबाई और चौड़ाई की जगह भुजा का प्रयोग करें तो ये हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुना भुजा मान लेते हैं हमारे कैरम बोर्ड की एक भुजा की लंबाई 90 सेंटीमीटर है क्योंकि ये वर्गाकार है तो इसकी सभी भुजाएं समान लंबाई की होंगी इसलिए कैरम का क्षेत्रफल होगा भुजा गुना भुजा यानी 90 सेंटीमीटर गुना 90 सेंटीमीटर यानी 8100 वर्ग सेंटीमीटर चलिए एक और प्रश्न हल करते हैं एक वर्गाकार फर्श की एक भुजा की लंबाई 16 फीट है अगर इसमें चार फीट लंबी एवं दो फीट चौड़ी टाइल्स लगानी हो तो कुल कितनी टाइल्स लगेंगी बच्चों ऐसे प्रश्नों में कुल संख्या निकालने के लिए हम कुल क्षेत्रफल में उस एक चीज के क्षेत्रफल से भाग दे देते हैं जिसे उस जगह पर लगाना हो जैसे यहाँ वर्गाकार फर्श के क्षेत्रफल में एक टाइल के क्षेत्रफल का भाग कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि इस फर्श पर कुल कितनी टाइल्स लगेंगी इसमें फर्श की भुजा की लंबाई 16 फीट दी है तो इसमें फर्श का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा गुना भुजा यानी 16 गुना सोलह वर्ग फीट यहां हम 16 गुना सोलह हल नहीं करेंगे इसे ऐसे ही लिखे रहने देंगे जिससे हमें भाग करने में आसानी हो आइए अब एक टाइल का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं टाइल की लंबाई दी है चार फीट और चौड़ाई दी है दो फीट तो एक टाइल का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुना चौड़ाई यानी चार गुना दो वर्ग फीट यहां भी हम गुना नहीं करेंगे अब आइए टाइल्स की संख्या निकाल लेते हैं तो टाइल्स की संख्या बराबर फर्श का क्षेत्रफल बटे एक टाइल का क्षेत्रफल यानी सोलह गुना सोलह बटे चार गुना दो यानी बत्तीस इसलिए फर्श को ढंकने के लिए कुल बत्तीस टाइल्स की जरूरत होगी टीचर्स बच्चों को आयत और वर्ग के क्षेत्रफल के इबारती प्रश्न का वर्कबुक में खूब अभ्यास कराएं। बच्चों अब मैं जाती हूँ कल फिर मिलने आती हूँ आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो गतिविधियाँ क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन और हाँ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।